वजह यह है कि जो संभल के अंदर जो घटना हुई है, मस्जिद का संरक्षण के नाम पे जो मुस्लिम समाज के ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई है, वो जुल्म और ज्यादती के खिलाफ इंसाफ की आवाज बुलंद करना और जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होना और जो मजलूम है जिनका जो है तो कत्ल किया गया है बेगुनाहों का, उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देना, ये मांग के साथ आज हम पूरे भारत के अंदर जो है तो आंदोलन कर रहे हैं। उसकी एक कड़ी के अंदर हम महाराष्ट्र में अभी औरंगाबाद में भी हमारा ये आंदोलन चल रहा है। पत्थर मारना ये बहुत बड़ा जुर्म और अपराध है, लेकिन उसके साथ में कोई जज अगर जो है तो संविधान की कसम खाकर पक्षपात करता है तो वो पक्षपात जो है तो डायरेक्ट हमारे लोकतंत्र और संविधान के ऊपर एटम बम फेंकने के जैसे बराबर है। ऐसे ही जो पुलिस वर्दी के अंदर संविधान की कसम खाती है और जो इस देश के संरक्षण देने की जो कसम खाती है, वो पुलिस रक्षक जो अगर भक्षक बन जाती है और बेकसूरों के ऊपर गोलियां तानना शुरू करती है तो ये पुलिस जो है तो संविधान के ऊपर हमारे लोकतंत्र के ऊपर एक एटम बम का हमला करती है। इसका हम जो है तो जाहिर निषेध करते हैं। यही हाल जो है तो यूपी के अंदर हुआ, जहाँ देखने आया जहाँ पर 91 का एक जो धार्मिक स्थलों का सुरक्षा का जो कायदा है वो कायदे के उल्लंघन करते हुए वहाँ के निचली अदालत ने सर्वे का हुक्म जारी किया। ये सर्वे का हुक्म मतलब ऐसा है, ये चोर के हाथ में जो है तो चाबी देना है। उसकी जो है तो साफ तौर पर हमको मिसाल देखने को मिली। उसके बाद जो है तो वहाँ पर लोग एक धर्म के खास नारे लगाते हुए सर्वे करने पहुँचे, मानो उन्होंने मुस्लिम समाज और मुस्लिम धर्म के लोगों को उकसाने का काम किया, उनको भड़काने का काम किया। और उसके बाद जब मुस्लिम समाज विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर आया तो उनके ऊपर गोलियां चला दी गई। ये सीधे तरीके से एक मुनज़्ज़म मुस्लिम समाज के खिलाफ एक साजिश है। SDPI इसका विरोध करती है और हम ये चाहते हैं कि भारत के अंदर मुस्लिम समाज को संविधान के अधिकार मिले, न्याय मिले और सबसे अहम चीज़ मुस्लिम समाज को जो है तो सुरक्षा मिले। आज मुस्लिम समाज की मस्जिदें, उनकी दरगाहें ये सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम समाज के लोगों की जान माल जो है तो सुरक्षित नहीं है। ऐसे हालात के अंदर मुस्लिम समाज को SDPI कभी भी जो है तो अकेला नहीं छोड़ेगा। SDPI आगे और ताकत से जो है तो मुस्लिम समाज के साथ में खड़ा रहेगा। छब्बीस ग्यारह जो हमारा मुंबई जो हमला हुआ था, आज जो हमारा बैनर भी आप देख सकते हैं वो भी है। हम आज उनको जो है तो यहाँ पर खराज अकीदत पेश करते हैं, उनको अभिवादन यहाँ पर जो है तो पेश करते हैं, क्योंकि 26/11 का जो इंसिडेंट हुआ था आपको सबको मालूम है, तकरीबन 14 साल हो गए उसको। वहां पर जो है तो उन्होंने देश के लिए और हमारे महाराष्ट्र के लड़ते लड़ते जो
पुलिस वालों ने जो शहादत दी थी, उन्होंने जो शहीद हुए थे, आज जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट वालों को जो है तो उनको याद करना चाहिए अच्छे तरीके से। वो हेमंत करकरे जो संगी मानसिकता के जो लोग थे, इनका जो है तो पर्दाफाश करने वाला जो इंसान है ये हेमंत करकरे और उसकी टीम है। हम उनको जो है तो सलाम करते है ऐसे पुलिस वालों को, और हम उनको मरते दम तक ऐसे पुलिस वालों को याद करते रहेंगे। आज डिपार्टमेंट में हेमंत करकरे जैसे और उनकी टीम के जैसे लोगों की आज जरूरत है। आज देश को बचाना है तो ऐसे पुलिस वालों की जरूरत है। मैं फिर से जो है तो इन शहीदों को जो है तो सलाम करता हूँ और इनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ। शुक्रिया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDP औरंगाबाद में ये कलेक्टर ऑफिस के सामने आंदोलन हो रहा है। ये हमारा आंदोलन जो तो राष्ट्रव्यापी है, पूरे मुल्क के अंदर जो तो SDP सड़कों पर उतरी है। ये आंदोलन करने का कारण ये है कि जहाँ संभल जामा मस्जिद जो UP के अंदर है, यहाँ पर जो है तो 22 तारीख को जो है तो कोर्ट में अर्जी लगाई गई, और अर्जी लगाने के बाद जो है तो वहाँ पर सर्वे किया गया। वो सर्वे का जो है तो ऑर्डर जो है तो कोर्ट ने दिया गया। एक तरफा जो है तो वो सर्वे का ऑर्डर निकालते हैं, दूसरे पार्टी को जो है तो उसमें शामिल भी नहीं करते जो मस्जिद की कमेटी है। फिर भी जो है तो जामा मस्जिद की कमेटी ने वहां पर जो है तो उनको भरपूर उनका साथ दिया, और पहले दिन जो सर्वे हुआ उसमें पूरा कॉपरेट किया। और उसके बाद में जो है ऐसा क्या होता है कि दूसरे दिन जो है तो फिर ये SDM के जरिए तो बिना कोर्ट के संज्ञान में लाए गए जो है तो फिर से जो है तो उसका ऑर्डर निकाला जाता है सर्वे करने का। और कुछ संघी मानसिकता के लोग जो है तो वहां पर जमा होते हैं। वो विष्णु जैन जो संघी मानसिकता है, जो वकील है, वो वकील जो है तो वहां पर कुछ लोगों को जमा कर जो है तो वहां पर धार्मिक नारे लगाकर, जय श्री राम के नारे और कौन कौन से नारे लगाकर जो है तो भीड़ को इकट्ठा कर मस्जिद की तरफ लेकर जाता है। और वहां पर जो है तो लोग जो है तो दूसरे, जाहिर सी बात है जब ऐसे मस्जिद के किसी के धार्मिक स्थल के बाहर नारे लगेंगे तो लोग जमा होंगे, तो वहां पर जो है तो स्थानीय लोग जमा हुए और उन्होंने जो है तो पीसफुली जो है तो उनसे जो है तो रिक्वेस्ट की कि कल सर्वे हो गया था, अब दोबारा सर्वे करने की क्या जरूरत है। पर इन्होंने वहां के जो SDM ये भी सुनने में आया कि उन्होंने गाली देकर जो है तो वहां की जनता से जो है तो बात की है, और इसके बाद में लोग जो है थोड़ा सा गुस्से में आ गए और वहां पर उन्होंने नारेबाजी की। इसके बाद में कुछ लोगों ने जो है तो सुनने में आएगा वहां पे पथरा हुआ, पर ये UP पुलिस के जरिए जो है तो उनके ऊपर जो है तो गोलियां चलाई गई। उसके अंदर जो है तो 5 लोग जो है तो ये कत्ल किए गए, ये मर्डर है। ये यूपी पुलिस की तरफ से जो है तो 5 लोगों का मर्डर किया गया है। हम SDPI की तरफ से डिमांड कर रहे हैं कि उस इसकी जो है तो उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। एक जो है तो हाईकोर्ट के सेटिंग जज की जो है उसके ऊपर इंक्वायरी बैठना चाहिए, और जितने भी जो है ये संगी मानसिक जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इनको सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि खुलेआम पूरा वीडियो जो है तो सोशल मीडिया का वायरल हो रहा है, और वो संगी मानसिक विष्णु जैन जो लोगों को लेकर जो तो नारे लगाते जा रहा है, वो भी वीडियो पूरा जो है पब्लिक डोमेन के अंदर है। तो हम यही डिमांड कर रहे हैं कि इनसे जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की जाए और इसकी जो है जांच की जाए। मेरा नाम जो है मोहसिन खान, मैं माजी जिला अध्यक्ष औरंगाबाद, डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर औरंगाबाद।